दुनिया के सबसे खराब कोरोना वायरस प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह की अवहेलना करते हुए फेस मास्क पहनकर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने रविवार को समर्थकों के साथ रैली में हिस्सा लिया। वे समर्थकों के साथ भीड़ से बाहर निकले बच्चों के साथ उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई। रविवार को लोगों के एक समूह ने राष्ट्रपति भवन के बाहर जमा होकर देश में गतिविधियों को फिर से शुरू करने की मांग की, जबकि देश में महामारी का संकट अब भी जारी है। ब्राजीलिया और साओ पोलो में प्रदर्शनकारियों ने घरों में रहने के नियमों को ताक पर रखकर बोल्सोनारो के समर्थन में रैलियां की, वो भी ऐसे वक्त में जब महामारी से निपटने को लेकर बोल्सोनारो पर दबाव जारी है। दरअसल यहां अब तक कुल 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। क्लोरोक्वीन। रविवार को राष्ट्रपति भवन के बाहर बोल्सोनारो के समर्थकों ने बोल्सोनारो से कहा और ये भी कहा कि हम साथ साथ हैं और काम भी करना चाहते हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस का परीक्षण अब भी यूरोपीय देशों से बहुत पीछे है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ब्राजील ने पिछले सप्ताह की शुरुआत में लगभग 3,38,000 कोरोना वायरस परीक्षण किए थे।